हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आई होप आपका कल पेपर अच्छा गया होगा। जो कल पेपर हुआ था यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशंस, मैंने इसका सर्वे किया था। अभी पेपर में बच्चों को कितने मार्क्स आए कितने नहीं, उन्होंने मुझे काफ़ी डेटा भेजा टेलीग्राम पर, और उससे मुझे पता चला कि पेपर जो था मॉडरेट टू टफ के बीच में है। ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इजी था या फिर कहते बहुत ज़्यादा टफ था, ये बिटवीन था, मॉडरेट टू टफ मैंने इसको कैटेगरी में रखा है। चलो देखते हैं आज का कट ऑफ कितना, इसका कट ऑफ कितना रहता है। पहले हम नज़र डालते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ यानी कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल का था 92.51, पर हाँ कह सकते हैं 2020 का कट ऑफ 20 का जो पेपर था थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में टफ था। इसमें भी कुछ क्वेश्चन थे जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ कि बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स थे, मतलब वो एक साथ ही मतलब सरप्राइज़ किया यूपीएससी ने। लेकिन पिछली बार देखा जाए इसके बराबर ही था, लेकिन इसे थोड़ा बहुत ही थोड़ा सा बस 1.5 या 0.6% टफ कह सकते हैं, इतना नहीं था, आसपास ही था। पिछले साल जनरल का कट ऑफ था 92.51 और ईडब्ल्यूएस का था 77.51 और ओबीसी का था 89.12। अगर देखा जाए ना जनरल का कट ऑफ देखा जाए तो 90 से कम ही जाता है, लेकिन अब ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बना दी गई है ना, इसकी वजह से इसका कट ऑफ है ना थोड़ा सा ज़्यादा चले जाता है कि सीट वहाँ कम हो जाती हैं जनरल वालों की। अब एससी का था 74.84 और एसटी का था 68.7 और बाकी की जो पीडब्ल्यूडी 1, 2, 3, 4, 5 बचती है ये डिपेंड करता है इनकी क्वांटिटी के ऊपर और कितना बच्चों ने मार्क्स ऑप्टेन किया है इनका कट ऑफ, ठीक है ना। पेपर का मैं एनालिसिस करूँ तो इसमें से जो कुछ 15 क्वेश्चन थे वो कुछ टफ थे, जैसे इनमें से कुछ दो क्वेश्चन दे देते स्पोर्ट्स के, दे देते स्पोर्ट्स को सरप्राइज कर देता, और वैसे बच्चे स्पोर्ट्स का पढ़ते नहीं हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल नए थे, एकदम सरप्राइजिंग थे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आप चाहे तो कोई सा भी करंट अफेयर के लिए कोई सी मैगजीन खोल लो, कुछ भी खोल लो, तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे करंट अफेयर, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे और 30 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट टफ कैटेगरी है। मॉडरेट टफ कैटेगरी इसलिए क्योंकि उनको सीधा नहीं पूछा था, जैसे पूछा था 8 अगस्त 1942 को तो पता है क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, लेकिन 8 अगस्त तो क्या हुआ, स्पेसिफिक क्या हुआ, घुमाने वाले क्वेश्चन थे, इसके सीधे नहीं पूछ रहे थे वो आंसर। और कुछ ऐसे थे जैसे कि कोई पूछा था कि सॉन्ग ऑफ किसने गाया था, जैसे महात्मा गांधी था उसका आंसर, मोहनदास करमचंद गांधी था, कुछ ऐसे। मतलब आपको उन पेपरों को पढ़ने के लिए हिस्ट्री को, जो हमें हिस्ट्री क्वेश्चन में देखा जाए तो हिस्ट्री को वर्ड बाई वर्ड पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें, एक एक वर्ड वर्ड बाई वर्ड अच्छे से पढ़ें ताकि वो क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री के अंदर खासकर। और ज्योग्राफी का भी मैंने देखा कि क्वेश्चन वो सीधे नहीं पूछे, घुमा कर पूछ रहे थे कि जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल पूछ लिया कि कैसे बनती है यह है। जिसने भाई इंडिया की जर्नी को पढ़ा हो कि इंडिया की जर्नी हुई थी गोंडवाना से यूरेशिया की तरफ, बीच में उसकी स्ट्राइक हुई थी एक वॉल्केनिक आइलैंड के साथ हुई थी, और उसका जो वॉल्केनो था उसकी जो वॉल्केनिक लावा था वो इंडिया के जो मालवा प्लेटियो वहाँ जम गया, फिर बाद में उससे ब्लैक कॉटन सॉइल बनी उसकी इरोजन से, तो वो वॉल्केनिक फीजर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन था उसका आंसर। मतलब घुमा के पूछ रहा था इस टाइप का क्वेश्चन। इसे 30 क्वेश्चन वही बंदा कर सकता था जिसने अच्छे से स्टडी करी हो और उसको एनालिसिस करना अच्छे से आता हो। 55 क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट, 55 के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं जो उसमें से डायरेक्ट पूछे जा रहे थे, जैसे इकोनॉमिक्स के 4-5 मतलब टोटल जितने सवाल थे 1-2 को छोड़ते हुए बाकी सारे डायरेक्ट पूछ लिए, जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के 4 स्टेटमेंट दे दिए और आपका कौन सा ज़्यादा इन्फ्लेशनरी है, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स इसमें ईजी पूछी थी, उसमें 55 क्वेश्चन कुछ इस तरीके हुए। और शायद और देखा जाए तो और क्वेश्चन भी थे शायद इसके, मैं भी सोच के बताता हूँ। और हाँ पॉलिटी के भी क्वेश्चन इस 55 के अंदर ही आते हैं, पॉलिटी के जो कुछ क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट पूछ लिए गए, जैसे राइट टू प्राइवेसी है ना, और आपका ये राइट टू प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि ये कम से कम यूपीएससी ने ये 5वीं बार होगा पूछ रहा है राइट टू प्रॉपर्टी, और ये आई थिंक आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को अलग से फंडामेंटल राइट से हटा दिया था, ठीक है ना, इसको अलग से स्पेसिफिक लीगल राइट में रखा था, उसमें लीगल राइट फॉर ऑल पीपल कर दिया था इसका आंसर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें रिपीट भी हो रहे थे, पॉलिटी और इकोनॉमी को मिला लो, कुछ क्वेश्चन और करंट अफेयर के जो डायरेक्ट थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर से छाप कर रख दिए थे। पहले एक था उसका आपका क्वेश्चन जैसे क्या कहते हैं एक तो था आपका जिसमें आपका क्रोमोसोम को सॉरी उसके ऊपर था 3 मदर बेबीज के ऊपर क्वेश्चन था, पिछली बार उसका पूछा था से केवल सिंगल
ऑप्शन, इस बार स्टेटमेंट बना कर दे दिया। और एक क्वेश्चन और था जो पिछली बार पूछा था, लेकिन इस बार उनका स्टेटमेंट बना कर दे दिया। कुछ क्वेश्चन जो पहले पूछे थे पिछले साल, उन्होंने एक मतलब एक ऑप्शन के फॉर्म में उनका स्टेटमेंट बना दिया इस बार, है ना। जैसे कि जेनेटिक्स के ऊपर पूछा था पिछली बार, ऑप्शन में पूछा था, इस बार इसका स्टेटमेंट बना दिए दो। और इस बार से कोरोना के ऊपर ACE2 पूछा था, मतलब जो करंट अफेयर अगर आप नॉर्मल मैगजीन से पढ़ते हो उसमें से भी थे। तो 55 क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में थे। तो आगे देखते हैं आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। तो मैंने कुछ इसका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया है। अगर आप यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये इंडिकेट करती है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट ऑप्टेन मार्क्स, और जो कर्व लाइन है ये इंडिकेट करती है कि कितने मार्क्स बच्चों ने ऑप्टेन किए हैं। यहाँ पर 4% जितना मैंने डाटा लिया है उसके अकॉर्डिंग 4% बच्चों के 106.33 यानी 106.33 मार्क्स ऑप्टेन हो रहे हैं। उस तरह से 6.5% बच्चों के 102.66 मार्क्स, और 21.4% बच्चों के हो रहे 99.33, और 31.7 बच्चों के हो रहे 96.33, और 15.33 के परसेंट के बच्चे को हो रहे 94.66 मार्क्स, और 13.1% बच्चों के 94.66 एंड 8% के 92.33। जो मैंने देखा है टोटल बच्चों के, और भी बच्चे थे इनके 75, 66 और 41। देखो इतने तो मार्क्स आने वाले हैं नहीं, मैंने इसलिए उनको अकाउंट ऑफ नहीं किया क्योंकि इतना कट ऑफ नहीं जाता। जो अच्छे जो नंबर थे आपके 90 अबव 90s, मैंने उनको कंसीडर किया कितने कितने बच्चे उनको ऑप्टेन कर रहे थे, उनका मैंने एग्रीगेट लिया और उनके ऊपर मैंने परसेंटाइल निकाला। अगर आप देखें तो 99.33 और 94.66 ये एक रेंज है जिसमें आपको जिसमें लगता है कि सॉरी जिसमें लगता है कि हाँ नंबर इन्हीं 21.4% से लेकर 15.3% की जो रेंज है, जिसमें जिस मतलब मार्क्स की बात करूँ 99.33, 94.66 इस रेंज में बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो कट ऑफ जो था जनरल का इसी रेंज में ही जाने की आशंका है। तो देखना है कितना कट ऑफ है इसका। इसका अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखूँ तो अनरिजर्व का है 94.99 जो डेटा से मैं ऑप्टेन हुआ, और EWS का है 80.80 से लेकर 85 तक। वैसे EWS का डिपेंड इस बात पे भी करेगा कि EWS कितने बच्चे थे, कितनी क्वांटिटी थी, इन्होंने फॉर्म भरा और कितने मार्क्स वो ऑप्टेन कर रहे हैं, इसलिए मैं EWS के जो मार्क्स को 80 से लेकर 85 कह नहीं सकता। OBC का 85 से 90 एंड SC 75 टू 80 एंड ST 64 से 70, और बाकी की जो कैटेगरी होती है PWBD की, उनका डिपेंड करता है उनकी क्वांटिटी पर और उनके मार्क्स ऑप्टेन पर, उसको हम बता नहीं सकते एक साथ। क्या पता बच्चे कम बैठे हों, बच्चे बहुत ज़्यादा बैठ गए हों, उनका मार्क्स उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ आपका नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। थैंक यू।